वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन ब्लॉगर सोनाक्षी। मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं ना मेरे पास में जो कैंट आटा मेकर वाला जो वीडियो था ना, जिसमें मैंने आटा बना के दिखाया था कैंट आटा मेकर में, तो उसी के नीचे कमेंट आया था कि प्लीज़ आप मेथी वाला जो आटा होता है, पराठे का आटा होता है, वो भी उसके अंदर कैंट आटा मेकर के अंदर बना के दिखाइए। तो मैंने वही कोशिश की है बनाने की इस वीडियो में। तो वीडियो में बने रहिएगा लास्ट तक और देखिएगा कि मैंने किस तरीके से जो है कैंट आटा मेकर में आटा जो है वो बनाया है। तो फ्रेंड्स देखो, बेसिकली इस तरीके का जो होता है कैंट आटा मेकर होता है, ठीक है। तो ये इस तरीके से जो है इसका वो लिड होता है, जिसे आप बार बार उठा सकते हो, और अटैच्ड होता है बिल्कुल, ठीक है। और इसमें ये आता है इस तरीके से इसका बर्तन, जिसके अंदर की आटा बनता है, ब्रेड बनती है, जो भी चीज़ें बनती हैं। और ये जो कुछ हैं इसके साथ में इक्विपमेंट्स आते हैं, ये तीन आते हैं, सॉरी चार आते हैं। ये तो इसका ब्लेड है, और ये इसका है 1 टेबल स्पून का, और ये है 1 टीस्पून, ठीक है। और ये जो है ब्लेड निकालने के लिए है, ये वाला अटैचमेंट अगर आपका ब्रेड के अंदर या फिर किसी तरीके से फंस जाता है, जैसे आटे के अंदर ही फंस जाता है, तो उसको निकालने के लिए ब्लेड है, ताकि आपके हाथ भी गंदे ना हो। और ये है अटैचमेंट, इसको मैंने अभी वॉश किया है। तो इसमें देखो, आप लिक्विड के अकॉर्डिंग भी कर सकते हो कि आपको कितना ML वाटर चाहिए, और कप के अकॉर्डिंग भी है, 1 कप 1/2 कप 3/4 कप 1/4 कप, उस तरीके से पूरा दिया गया है, ठीक है। तो इसमें मैं पानी का लूँगी, और कप का मैंने इससे मेज़रमेंट लिया क्योंकि सूखा था, तो मैंने इससे जो है 2 कप ऑफ जो है आटा ले लिया है, और 1 कप ऑफ मेथी ली है। तो बाकी जो इंग्रेडिएंट मैं डालूँगी वो साथ के साथ डालूँगी, और आपको दिखाऊँगी भी कैसे मैंने जो है डाला है। आटा मैंने डाल दिया है, और अब मैं इसके अंदर जो डाल रही हूँ, मेथी भी मैंने डाल दी है, 2 कप ऑफ आटा 1 कप ऑफ मेथी। मेथी आप अपने अकॉर्डिंग भी ले सकते हो, जितनी आपको जो है यूज़ करनी है। और मैं इसके अंदर कुछ मसाले डालने वाली हूँ। तो ये जो है ना मेरा ढक्कन जो है 1 टीस्पून का है, तो इसके अंदर जो है मैं नमक डालूंगी अपने अकॉर्डिंग। तो मैंने इसके अंदर 1.5 टीस्पून जो है नमक डाला है, और 1 टीस्पून ऑफ धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून ऑफ लाल मिर्च, ठीक है, और 1/2 टीस्पून ही मैं इसके अंदर डाल रही हूँ आमचूर पाउडर, ठीक है। मुझे थोड़ा सा इसमें जो है जीरा भी अच्छा लगता है, अगर आप चाहो तो जीरा पाउडर भी डाल सकते हो, लेकिन मुझे साबुत जीरा ही अच्छा लगता है, तो मैं 1/2 टीस्पून से भी थोड़ा सा जीरा डाल रही हूँ इसके अंदर, ठीक है। अभी मैं इसके अंदर डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून ऑफ देसी घी। तो फ्रेंड्स कुछ इस तरीके से जो है इसके ऊपर आपको दिए गए हैं कि फर्स्ट पे बेसिक ब्रेड बनता है, सेकंड पे क्विक ब्रेड बनता है, स्वीट ब्रेड बनता है, फ्रेंच ब्रेड बनता है, होल व्हीट ब्रेड बनता है, तो इस तरीके से है। लेकिन हमें जो बनाना है, क्या बनाना है, चपाती का आटा, मतलब चपाती का आटा और जो है पराठे का आटा एक जैसा ही बनता है, ठीक है। तो बस उसमें जो है हमें थोड़ी सी घी की मात्रा हम ज़्यादा रखते हैं चपाती आटा में, तो वो हो जाता है हमारा पराठे का आटा, है ना। तो मैं यहाँ से स्टार्ट कर लेती हूँ अपने इसको, ठीक है। हमें क्या बनाना है, 11th पे सीधा चपाती आटा बनाना है, तो हमें जो है मेन्यू पे जाके बस 11 करना है, कुछ भी नहीं दबाना है। और बाकी आप जो है बेसिक ब्रेड, क्विक ब्रेड, स्वीट ब्रेड, फ्रेंच ब्रेड की भी मतलब कि पूछना चाहते हो कि किस तरीके से बनता है इस कैंट आटा मेकर में, तो इस पर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, तो उसका जो है लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहां से जाकर आप चेकआउट कर सकते हो कि किस तरीके से जो है ब्रेड बनेगी। तो आज हम यहां पर इस वाले वीडियो में सिर्फ आटा बनाएंगे, तो मेन्यू से सिर्फ हमें 11th प्रेस करना है चपाती आटा, एंड देन इसको स्टार्ट कर देना है। अभी फिर हमने इसमें पानी नहीं डाला है, तो हम पानी जो है अभी बाद में डालेंगे। पानी हम बाद में इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि इसके अंदर कोई भी अलग से मेथी आटा का जो है मेन्यू नहीं दिया गया है, तो हमें एग्जैक्ट नहीं पता कि कितना पानी हमें डालना है, तो हम इसमें देखने के अकॉर्डिंग ही जो है पानी डालेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो है मेथी आटा लग रहा है, मुझे लगता है इतना पानी बहुत होगा, और हमारा जो पराठे का डो है वो इससे बन जाएगा।
बस आपको थोड़ी सी कॉमन सेंस यूज़ करनी है, क्योंकि हर चीज़ का मेन्यू यहाँ नहीं दिया गया है। तो पानी जो है आप इसको खोल के भी डाल सकते हो, क्योंकि खोल के भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं अगर इसके अंदर हीटिंग प्रोसेस नहीं हो रहा है। तो आटे के अंदर कोई भी हीटिंग प्रोसेस नहीं है, तो हम इसको जो है खोल के भी यूज़ कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पर आटे का जो जो है प्रिपेयर हो रहा है, तो चलिए इसको प्रिपेयर होने देते हैं और थोड़ी देर में मिलते हैं। ये जो है 8 मिनट में पराठे का जो डो है वो तैयार हो जाता है, लेकिन अभी 7 मिनट बाकी हैं। और इस तरीके से जो है डो कुछ हो गया है। तो फ्रेंड्स 2 मिनट्स आर लेफ्ट, बहुत ही अच्छे तरीके से जो आटा है वो प्रिपेयर हो चुका है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से बीप आती है जब आपका जो है चीज़ प्रिपेयर हो जाती है। मतलब इन्होंने कहा है देखो यहाँ पे कंप्लीट के ऊपर एरो है कि कंप्लीट हो चुका है, और 8-10 बार बीप मार के और ये जो है इस तरीके से आटा निकल के आता है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि आटा कैसा बनता है। तो देखिए ये है जो डो हो गया है प्रिपेयर। अभी बस हम जो है इसको थोड़ा सा ऑयल लगा के रख देंगे सेट होने के लिए। वैसे तो ये पूरे तरीके से प्रिपेयर हो ही चुका है, बस अब हम इसे जो है थोड़ा सा ऑयल लगा के रख देंगे और थोड़ी देर में जो है इससे बनाएंगे पराठे, जो कि मैं आपके साथ में शो भी करूँगी। तो मैं इसके अंदर जो है इसे रख रही हूँ। बहुत ही सक्सेसफुली तरीके से जो है कैंट आटा मेकर में मैंने मेथी आटा जो है गूंथा था, और उसके जो पराठे थे ना वो भी बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट और बहुत ही ज्यादा टेस्टी बने थे। सो फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वॉचिंग माई होल वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन, एंड इफ यू वॉन्ट टू वॉच मोर वीडियो लाइक दिस देन प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन, एंड इफ यू वॉन्ट टू से समथिंग मोर तो प्लीज लीव अ कमेंट। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई फुल वीडियो, एंड विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। Till then, take care and bye-bye.